फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे वनडे ट्रिप के सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग फर्स्टली गए थे सावन दुर्गा, बट वहां जाने के बाद हमको पता चला कि सावन दुर्गा अभी ट्रैकिंग के लिए बंद कर दिया गया है। बट फिर हमने सोचा कि अब यहाँ इतने दूर आए हैं तो क्यों ना कहीं और जाया जाए। वहाँ से हम लोग चले गए थे पंचमुखी हनुमान टेम्पल। फिर वहाँ से भी हम दर्शन करने के बाद फिर हमने सोचा कहीं और चला जाए, तो अब हम नेक्स्ट प्लेस जाने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने ये हमारा दोनों वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए हमारे वन डे ट्रिप के थर्ड प्लेस पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग थर्ड प्लेस कहाँ गए। तो हम लोग पहुँच गए थर्ड प्लेस श्री मारुति साई धाम टेम्पल, जो कि ये टेम्पल हनुमान जी को डेडिकेटेड है। ये मंदिर बेंगलोर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर तुमकुर रोड पर स्थित है। जब हम इस मंदिर में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन हो रहा है। फिर हमने यहाँ पे बोर्ड में पढ़ा तो पता चला कि आज इस टेम्पल का 11th एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। उसी वजह से यहाँ पे बहुत सारा डेकोरेशन हो रहा था और यहाँ पे शायद नाइट के टाइम पे प्रोग्राम भी होता, तो डीजे ये सब भी लग रहा था, तो बहुत सारे यहाँ पे लोग भी थे और पूजा भी चल रहा था। इस मंदिर में एंटर करते ही राइट साइड में आपको शनि भगवान की आपको प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। जब आप इस मंदिर में आएंगे तो आपको बाहर ही पार्किंग भी दिख जाएगा। बाहर ही आपको अपनी गाड़ी रखना है और वहीं पर आपको जूता चप्पल का स्टैंड दिख जाएगा, तो आप वहां भी रख सकते हैं, नहीं तो आप अपने गाड़ी के पास भी खोल के आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी प्यारी राधा कृष्ण की प्रतिमा भी है। राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे राधा कृष्ण जी विराजमान है और लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा कि राम जी की फैमिली विराजमान है और बीच में आपको देखने को मिलेगा कि शिव जी की प्रतिमा विराजमान है और उसे ऐसा बनाया गया है जैसा लग रहा है कि बहती नदी में शिव जी विराजमान है, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो चलिए हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। यहाँ पे वैसे कैमरा ले जाना अंदर अलाउ नहीं है, बट हमसे जितना हो पाएगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे दर्शन करने का टाइम 8 AM to 12 PM और 4 PM to 8:30 PM और सैटरडे संडे ये मंदिर फुल टाइम ओपन रहता है, मॉर्निंग में 8 AM to नाइट में 8:30 PM। ये हनुमान जी की प्रतिमा 36 फीट हाइट और 100 टन वेट वाली सिंगल ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाई गई हुई है, जो कि इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर में आपको बहुत सारे भगवान देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे सारे वॉल पे ऊपर की साइड आपको हनुमान चालीसा भी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक फोटो के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया हुआ है। फोटो बना हुआ है और उसके नीचे पूरा लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छे से यहाँ पे हनुमान चालीसा को दर्शाया गया है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। हम ये पढ़ने के बाद आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे माता रानी की प्रतिमा भी है, तो हमने वहाँ भी दर्शन कर लिए। अब हम आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे और भी बहुत सारे भगवान की प्रतिमा विराजमान है। फिर हम थोड़े से आगे बढ़े तो हमने साई भगवान के भी दर्शन करे। साई भगवान के दर्शन करने के बाद हमने राइट साइड में ऊपर की ओर देखा तो वहाँ भी बहुत सारे चित्र बने हुए हैं और वहाँ पे रामायण का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा और वहाँ जाके बहुत अच्छी शांति का भी अनुभव हुआ, तो हम लोग थोड़ी देर वहाँ पे बैठ गए। अब चलिए हम बाहर की ओर चलते हैं, हमने दर्शन कर लिए हैं। आपको न्यू न्यू जगह एक्सप्लोर करने का शौक है तो हमारे चैनल पर आपको और भी बहुत सारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, और अगर आपको और भी कहीं घूमना है उसकी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल में विजिट करना ना भूलें। तो
बताओ आपको ये मंदिर कैसा लगा, एक ही जगह सारे भगवान के दर्शन करके आपको कैसा लगा। और ये मंदिर रियल में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर भी कितने प्यारे तरीके से बनाया गया है और कितना अच्छा आर्किटेक्चर दिया गया है इस मंदिर का। तो अगर आप इस मंदिर में नहीं आए हैं तो इस मंदिर में ज़रूर आए दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय।